अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका ढेर सारा वेलकम है दोस्तों। आज मैं आपसे फेड आउट की एडवांस वाइटनिंग नाइट क्रीम का रिव्यू करने वाला हूं। ये कुछ अरसा पहले ही लॉन्च हुई है। फेड आउट की जो है ना, पहले क्रीमें आती थी पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है ना, वाइटनिंग के लिए। ये जो दो क्रीमें अब लॉन्च हुई हैं ना, उसमें से एक क्रीम का मैं आपसे रिव्यू करूँगा। एक इसकी विटामिन सी क्रीम है और एक इसकी जो है ना एडवांस वाइटनिंग नाइट क्रीम है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये कौन कौन सी स्किन की प्रॉब्लम पर लगा सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो आपकी स्किन पर कैसे काम करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। ये जो फेड आउट की क्रीम है ना, इसके अंदर दो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है इसमें नियासिनामाइड और एक इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है ना। नियासिनामाइड जो होता है ना, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी स्किन की रेडनेस को कम करेगा, पिगमेंटेशन को कम करता है, स्किन पर ग्लो लाता है। और ये जो है ना, ये विटामिन B3 होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रीम्स नाइट हार्मफुल केमिकल वाली यूज़ करके अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया है, आपकी स्किन रेड हो गई है, और अब आप कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं तो स्किन रेड हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, तो ये जो क्रीम है ना, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को भी कम करेगी, रेडनेस को भी कम करेगी। और आपकी अगर पिगमेंटेशन है ना, तो आप कोई भी क्रीम लगाते हो तो स्किन रेड हो जाती है, तो ये जो है ना आपकी पिगमेंटेशन को भी लाइट करेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसमें जो इंग्रेडिएंट होता है ना, वो है मलबरी एक्सट्रैक्ट। मलबरी एक्सट्रैक्ट भी जो होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपकी पिगमेंटेशन को, डलनेस को कम करने के लिए, और आपके फेस पर अगर डार्क स्पॉट्स हैं उनको कम करने के काम करता है, के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो इस ये हो गया दो मेजर इंग्रेडिएंट। और इसमें एक और इंग्रेडिएंट भी है, वो है रोज़ हिप सीड्स एक्सट्रैक्ट हैं इसके अंदर। उसमें जो है ना, रोज़ हिप के जो जो सीड्स होते हैं ना, जो गुलाब होता है ना, उसके अंदर दरमियान में जो गोल सा एरिया होता है ना, उससे सीड्स जो निकलते हैं ना बीज, उससे एक्सट्रैक्ट करके ये क्रीम में डाला जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपकी इन्फ्लामेशन को कम करेगा, रेडनेस को कम करेगा, अगर आपकी फेस पर स्वेलिंग हुई हुई है तो उसको कम करेगा, ब्लैक हेड वाइट हेड्स को कम करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तो और इसके अलावा स्किन को जो है ना, वो हाइड्रेट और ग्लोइंग भी दिखाएगा, और डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को भी कम करेगा। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको जो है ना, वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये बहुत ही अमेजिंग क्रीम है। इसकी जो MRP है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो 1600 रुपये है, और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है ना, वो 50 ml है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।